इंफॉर्मेशन. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द आइडिया दैट के जो फोर्स होती है, रिजल्ट इन फोर्स जो होती है, इट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट शेप टू बी चेंज. ऐसे ही होता है. इसका एग्जाम्पल है गाड़ी पे डेंट. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? तो डिफॉर्मेशन का एक और तरीका है एक्सप्लेन करने का, वो ये है कि भाई एक स्प्रिंग थी. पहले समझ लो बेटे, अभी लिखना एकदम शुरू नहीं करो, पहले समझ लो इसको. आइडिया ये एक स्प्रिंग लगी हुई है, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी. मैंने इसको छत पे लगा दिया. अब फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर 10 न्यूटन का लोड लगाया. यू कैन क्लियरली सी दैट कि इसके ऊपर वेट अप्लाई किया. अब जब मैंने वेट अप्लाई किया तो वी नो दैट के वो स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच होती है. स्ट्रेच होना ही मतलब डिफॉर्मेशन है. यू कैन क्लियरली सी दैट कि इसके अंदर जो हमारे पास जो लेंथ में जो चेंजेस आए होंगे, जो एक्सटेंशन आई होगी, वो कितनी आई होगी? 2 सेंटीमीटर इज द एक्सटेंशन. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब वो किसकी वजह से हो रही है? लोड की वजह से हो रही है. ये बात समझ में आ गई? अब हमारे पास दो किस्म की हमारे पास डिफॉर्मेशंस होती हैं. एक होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जरा समझ लो. इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर सपोज करो इस स्प्रिंग से मैंने 10 न्यूटन का लोड हटाया, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप पर आ जाए. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? बेटे मैं कुछ बोल रहा था कि अगर आपने स्प्रिंग के ऊपर से लोड हटा दिया, इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप. समझ गए ये बात? और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये होती है कि हमेशा के लिए शेप चेंज हो जाए. समझ गए? हर चीज की एक लिमिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट, जिसके बाद जो है हमारे पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है हमेशा. इज दैट क्लियर? और फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद अगर आपने ज्यादा लगा दिया फोर्स, तो फिर उसके बाद जो है फिर जाहिर सी बात है वो जो स्प्रिंग होगी वो स्नैप कर जाएगी, टूट जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? अब जरा इधर चलते हैं. मेरे पास जो है, मैंने इसके बारे में लिख भी दिया है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में, एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर रिमूविंग दिस लोड इफ द स्प्रिंग विल रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. कैन यू सी दैट? अच्छा, अप्लाइंग मोर लोड विल इंक्रीज द एक्सटेंशन, एक्सीडिंग द इलास्टिक लिमिट विल लीड टू परमानेंट डिफॉर्मेशन. एक लिमिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट. इफ यू एक्सीड दैट लिमिट, फिर तो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी या फिर टूट ही जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अच्छा, इसके बाद जो मेजर चीज है वो हमारे पास है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ हमें कहता है कि अप्लाइड लोड, यानी जो मैंने लोड लगाया था स्प्रिंग में 10 न्यूटन का, दैट लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन. लेकिन इसकी एक कंडीशन है, दिस लॉ होल्ड्स अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. हमारे पास एक लिमिट होता है जहां तक ये लॉ होल्ड कर सकता है. अब पहले तो आप एक काम करो, ये जितना मैंने इधर लिखा है इसको तो पहले कॉपी करो ताकि आपके नोट्स बन जाए. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द हुक्स लॉ इन डिटेल. सबसे पहली चीज है कि अप्लाइड लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन. ठीक है, ये हमारे पास एक्सटेंशन के साथ है इसका रिलेशनशिप. दिस लॉ होल्ड्स अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब बेसिकली मेरे पास ये एक एक्सटेंशन लोड ग्राफ है. बी केयरफुल, ये कभी कभार लोड एक्सटेंशन ग्राफ भी गिवन होता है. सही है? अब जरा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एटलीस्ट इधर से लेकर इधर तक हमारे पास हुक्स लॉ ओबे हो रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है. ठीक है, दैट मीन्स द लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन उसके बाद फिर क्या हो रहा है? उसके बाद जो है, इस पॉइंट के बाद यू कैन क्लियरली सी दैट कि इट इज नो लॉन्गर अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसके बाद. अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिर जो है वो जो हुक्स लॉ है वो फेल हो चुका है. द हुक्स लॉ हैज फेल्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट. उसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास लोड लगाने पर और ज्यादा एक्सटेंशन हो रही है. ठीक है, प्रोपोर्शनल एक्सटेंशन नहीं हो रही अब नो लॉन्गर. और उसके बाद अगर आपने फिर भी आपने बोला कि यार इफ यू आर अ लेजेंडरी पर्सन एंड यू डिसाइड टू अप्लाई इवन मोर लोड, जो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, उसके बाद ये टूट ही जाएगी हमारे पास चीज. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये बात समझ में आ गई? तो ये आपके पास है, इसको प्लीज कॉपी कर लो. अच्छा, एक और चीज का भी ख्याल रखना कि एक्सटेंशन लोड ग्राफ अगर इस तरीके से गिवन है, ये फ्लिप भी होके आ सकता है.
बट इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल. सिर्फ ये कर्व जो होगा वो फिर उस तरफ हो जाएगा. समझ गए ना? क्लियर है? कॉपी कर लो इसको. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जो ये जो लॉ लिखा था, क्या इसको हम लोग फॉर्मली प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से? जरा इधर देखो, हमने कहा द अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड लोड, या मैं इसको एफ लोड लिख सकता हूँ इधर, ठीक है, एफ लोड मस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन एक्स. कुछ किताबों में ये ई भी लिखा होता है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज, इज जस्ट अ लेटर, ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया. अब इसको मैं, अगर मैंने इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं मैथमेटिक्स में, तो एक कांस्टेंट आता है, तो हमारे पास ये फाइनल हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के एक्स. दिस इज द हुक्स लॉ. इज दैट क्लियर? अब के क्या है पहले तो सबसे पहले देख लो. एफ क्या है? ये होगा अप्लाइड लोड. अप्लाइड लोड. के क्या है? ये हमारे पास है स्टिफनेस कॉन्स्टेंट. इसको हम लोग स्टिफनेस कॉन्स्टेंट कहते हैं. और हमारे पास जो है ये जो है, ये हमारे पास है एक्सटेंशन. इज दैट क्लियर? समझ गए? अब जरा सुनो, अब इसका कहने का मतलब क्या है जरा सुनो. स्टिफनेस कॉन्स्टेंट जितना बड़ा होगा उतनी कम एक्सटेंशन होगी हमारे पास फॉर द सेम लोड. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी स्टिफर ज्यादा होगा वो. स्टिफ ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि अगर स्टिफनेस कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारे पास एक्सटेंशन बहुत कम आएगी. इज दैट क्लियर? और फॉर द सेम लोड, अगर मेरे पास, अगर मैंने फोर्स कॉन्स्टेंट रखी हुई है, फोर्स सब जगह सेम है, स्प्रिंग डिफरेंट डिफरेंट है, उनके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डिफरेंट होंगे. इसको हम लोग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, के को, ठीक है. मैं एक और भी नाम इसका लिख लेता हूं, इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है. स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी होता है, स्टिफनेस कॉन्स्टेंट भी कहते हैं. अगर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बड़ा होगा फॉर द सेम अप्लाइड लोड तो हमारे पास एक्सटेंशन हमेशा कम आएगी. इज दैट क्लियर? समझ गए? ये याद रहेगा बेटे, के जो है ये स्टिफनेस कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, या इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं. अब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारे पास एक्सटेंशन कम आएगी फॉर द सेम लोड. इज दैट क्लियर? और अगर मेरे पास के की वैल्यू कम होगी तो एक्सटेंशन ज़्यादा आएगी. पहले तो इतना समझ लो, सही है? फॉर द सेम अप्लाइड लोड. मैं इधर लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट को, For the same applied load, if K is larger, X will be smaller. ठीक है? If K is small, X will be large. ठीक है, कॉपी कर लो इसको. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टफ पे चल रहे हैं हम लोग. करेंगे स्प्रिंग्स इन पैरेलल एंड स्प्रिंग इन सीरीज, ठीक है. सबसे पहले स्प्रिंग्स इन सीरीज की बात करते हैं, ठीक है. अब इसमें होता क्या है पहले तो जरा इधर देखो. स्प्रिंग्स इन सीरीज में होता क्या, मैं कोशिश करता हूं कि यार ऐसी राइटिंग लिखूं कि शायद आपको समझ में आ जाए. इधर देखो, लिसन, मेरे पास एक छत है, ठीक है, और मेरे पास एक स्प्रिंग बना लेते हैं. ये मेरे, एक मिनट, स्प्रिंग भी अच्छी तरीके से, यार ओह माय गॉड, छत भी गायब हो गई और स्प्रिंग भी गायब हो गया. दिस इज द स्प्रिंग, ठीक है. अब ये मेरे पास एक सिंगल स्प्रिंग है, ठीक है. सिंगल स्प्रिंग है, इस सिंगल स्प्रिंग को मैं मूव भी कर सकता हूँ. इनफैक्ट मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि मेरे पास हो. अब आइडिया ये है कि एक स्प्रिंग है, इसको, इसके ऊपर मैंने एक लोड अप्लाई किया. ये मेरे पास एक लोड है, ठीक है, दिस इज द लोड. और इस लोड को मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, लेट दिस लोड बी डब्ल्यू. इसका नाम ही मैं डबल वेट रख रहा हूँ, डब्ल्यू रख रहे हैं. समझ गए? अब जरा सुनो, इस लोड को मैंने इस पे लगाया, तो सपोज करो कि मेरे पास इसके अंदर इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट था
या वो स्टिफनेस कांस्टेंट जो है वो के है और इसके अंदर एक्सटेंशन ई प्रोड्यूस हो रही है या एक्सटेंशन को मैं एक्स प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं दोबारा जाता हूँ, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने क्या किया, इस बार दो स्प्रिंग लगा दिए हैं, एक ही सिस्टम के अंदर दो स्प्रिंग लगाए, इस तरीके से मैंने दो स्प्रिंग लगाए, ठीक है। और फिर मेरे पास जो है एक और एक छोटी सी वेटलेस असेंबली मैंने कनेक्ट की और इसी के साथ जो है मेरे पास ये लोड W लगा हुआ है, ठीक है। लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस W अगेन। ये मेरे पास W वापस से आ गया, द सेम लोड। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब जरा सुनो कि इसका भी स्टिफनेस कांस्टेंट K है और इसका भी स्टिफनेस कांस्टेंट K है, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब जरा सुनो कि जब स्प्रिंग्स इन सीरीज लगी हुई होंगी, ठीक है, क्या इसका लोड जो होगा ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि W जो है, यानी टेक्निकली हमारे पास ये हाफ W नजर आ रहा होगा एक जगह पर। ये बात समझ में आ रही है, द लोड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्सटेंशन जो आ रही होगी वो आधी आधी आ रही होगी। समझ आ रही है ये बात? यानी इसमें हुआ क्या, सबसे पहली चीज है जो हमारे पास, एक मैं फोन कॉल अटेंड कर लूं। अब इधर कहने का मतलब क्या है, बेसिकली जब आपके पास, सॉरी, ये हमारे पास स्प्रिंग्स जो है ना, एक मिनट, मैंने गलती कर दी है, ये स्प्रिंग्स इन सीरीज नहीं है, स्प्रिंग्स इन पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, दिस इज ओनली फॉर द सेम अप्लाइड लोड। तो कर दूं। अच्छा, इंटुएटिवली भी आप इसको देख सकते हो। फॉर इंस्टेंस, यू फॉरगॉट अबाउट दिस आइडिया कि उनके केस कैसे ऐड अप होते हैं, क्या होता है। तब हम लोग इंटुएटिवली भी देख सकते हैं कि पहले इनिशियली स्प्रिंग पर लोड W था तो एक्सटेंशन X आ रही थी। अगर मैंने स्प्रिंग्स को पैरेलल में लगा दिया तो पैरेलल का मतलब ये होगा कि आधा लोड K ले जाएगा और आधा लोड W ले, वो दूसरा वाला ले जाएगा हमारे पास K। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी स्प्रिंग जो है इनको लोड डिवाइड हो जाएगा दोनों में। अगर लोड डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस वाले जो स्प्रिंग होगा, ये वाला जो स्प्रिंग है, इसको टेक्निकली सिर्फ हाफ W नजर आ रहा होगा और इसको भी हाफ W नजर आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो जाहिर बात है, अगर लोड ही आधा नजर आया है तो एक्सटेंशन भी आधी होगी। क्लियर है? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो आप रीजन करके भी आप अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। सही है? क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज, वो थोड़ा सा मुश्किल है। और चलते हैं, हमारे पास है स्प्रिंग्स इन सीरीज। वंस अगेन मेरे पास जो है ये स्प्रिंग हमारा वापस से आ गया, द सेम स्प्रिंग इज बैक। द स्टार्टिंग पोजिशन इज दैट वी हैव अ स्प्रिंग दैट इज असेंबल्ड लाइक दिस और इस पे हमारे पास लोड अभी भी W ही लगा हुआ है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K है और इसकी एक्सटेंशन हमारे पास X आ रही है, ठीक है। यहाँ तो पहुँच गए। अब मैं कर रहा हूं इन स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट। अब सीरीज में कनेक्शन का मतलब यह है कि वंस अगेन आई हैव दिस असेंबली सेटअप, बल्कि इसको तो अभी मैं सिंपल, इतनी छोटी असेंबली में भी कर सकते हैं हम इसका काम। अब इसमें यह है कि मैं क्या कर रहा हूं, दो स्प्रिंग्स को बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे, एक ये रही, उसके बाद हमारे पास एक और स्प्रिंग आ गया बैक टू बैक इस तरीके से, ठीक है। अब सपोज करो ये वाली स्प्रिंग इसके साथ कनेक्टेड है और ये वाली इसके साथ कनेक्टेड है और इसके साथ जाकर मेरे पास सेम W जो लोड था वही कनेक्टेड है। कैन यू सी दिस कनेक्शन ओवर हियर? नहीं। अब जरा सुनो, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ईच इंडिविजुअल स्प्रिंग ओवर हियर विल सी द सेम लोड, उसको भी, मतलब ऊपर वाली जो स्प्रिंग है इसको भी W दिखाई दे रहा होगा और इसको भी W दिखाई दे रहा होगा। नहीं डिवाइड होगा, अब डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड डिवीजन जो होती थी लोड की, वो इसमें पॉसिबल थी, इसके अंदर सेम लोड नजर आ रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग?
यानी वेट जो W है वो इसको भी नजर आ रहा होगा और वेट W इसको भी नजर आ रहा होगा, यानी टेक्निकली, अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, देखो ना इधर जरा देखो, लेफ्ट साइड पर जब W लोड था, एक स्प्रिंग था तो एक्सटेंशन X आ रही थी, अब सेम लोड W मैंने अप्लाई किया यूजिंग दी सेम इंटुइटिव मेथड कि हमारे पास दिस W इज एप्लीकेबल इंडिविजुअली ऑन बोथ ऑफ दिस स्प्रिंग्स, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी एक्सटेंशन एक्स आ रही होगी, इसमें भी एक्स आ रही होगी, टोटल एक्सटेंशन कितनी हो गई 2x. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? ये तो इंटुएटिव तरीका था. अब चलते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की दुनिया में. इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k है और इसका भी k है, ठीक है. अब इसका जो हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का जो रूल है वो जरा सुन लो कि इसके अंदर जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होगा वो आधा हो जाएगा. समझ गए? यानी अगर मैंने दो स्प्रिंग लगा दिए सीरीज के अंदर तो हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ही आधा हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अब इसका जो एडिशन का जो तरीका है वो भी जरा देख लो, वो थोड़ा सा मुश्किल है. यानी टोटल के इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के और रेस टू पावर माइनस 1. इस तरीके से हम लोग करते हैं. इज दैट क्लियर? अब अगर आपने इसको सॉल्यूशन बनाओगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हाफ के आपके पास. समझ गए? आप ट्राई करना चाहते हो तो करके देख लो. मैं अभी सीधी सी बात है कि मैं आपको अभी मैथ्स का चैलेंज देता हूँ कि क्या आप इधर से इधर पहुँच सकते हो. गिव इट अ शॉट, डू इट योरसेल्फ. जब तक आप खुद नहीं करोगे तो यू विल नेवर बी कन्विंस्ड. करके देख लो, मैं अभी आपको असिस्ट भी करता हूँ. उसे नहीं हो पा रहा मैं करके दिखा देता हूँ. इधर देखो, लिसन, मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के रेस टू पावर माइनस 1 है, सही है. मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो इसका के ही एलसीएम आता है, तो इसका मतलब है कि ऊपर डायरेक्ट मेरे पास 1 प्लस 1 हो गया और रेस टू पावर यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 ओवर k रेस टू पावर माइनस 1. मैथमेटिकली अगर मैं इस माइनस 1 को प्लस 1 करूंगा तो फ्लिप हो जाएगा उल्टा, यानी ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाय 2, फ्लिप होकर ये यहाँ पे आ जाएगा 1. इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब है कि मेरे पास ये वाला प्रूव हो गया इधर. इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? जरा इसको करो, पहले दोबारा से रिपीट भी कर देता हूं. जरा इधर देखो, वो ये है कि अगर स्प्रिंग्स इन सीरीज होगी तो हमारे पास लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता. द इंडिविजुअल स्प्रिंग विल ऑल सी द सेम लोड. लेकिन पिछले वाले केस में लोड डिस्ट्रीब्यूशन थी. दैट मींस द सेम वेट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ द लोड्स, टू बोथ द स्प्रिंग्स. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो रही है, मैं लिख भी देता हूं. लोड इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, लोड इज बीइंग, लिख लो उस पे, इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड. ये लिख लिया और इसके ऊपर मैं लिख रहा हूं लोड, सेम लोड, सेम लोड इज सीन ऑन ईच स्प्रिंग. ठीक है, समझ गए? हो गया. अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे. ओके गाइस, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर. इसके अंदर भी एक ऐसी चीज आ रही है जो मैं थ्योरी के तौर पे अभी आपको करा दूंगा. पहला सवाल मुझे बोलता है, दिस इज फ्रॉम अ पेपर और इसका ईयर मेंशन नहीं है सैडली. अच्छा, ये कह रहा है A sports car is designed to be very stable when turning a corner at high speed. Okay. Figure shows the position of the center of mass of the car. Okay. ये हमारे पास इसका जो center of mass या center of gravity इधर located है. ठीक है. मुझे बोलता है state what is meant by the center of mass. अब center of mass की definition लिख लो, क्योंकि ये something है जो theory में असूलन आता है, लेकिन मैं theory इसी के अंदर करा रहा हूँ question के through ही. लिख लो.
मैंने लिखा है इट इज़ द पॉइंट थ्रू विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट पासेस थ्रू. बेसिकली जरा सुनो, पूरी गाड़ी का वेट जो होगा वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट इधर से पास हो रही होगी. ये बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी कोई भी अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास ऐसी पोजीशन होती है जहां से मैं कंसिडर कर सकता हूं कि सारा वेट इधर से ही पास हो रहा है. यानी मेरे पास यहां से इसका वेट पास हो रहा होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसको हमने लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हैं, या हम लोग इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं. एटलीस्ट In O level, center of mass or center of gravity is the same thing. Is that clear? ये बात समझ में आ गई? Do you understand this thing? अब इसके बाद ये state two features of the design that make the car in figure 2.1 stable. Stability की हमारे पास दो तीन conditions होती हैं, बल्कि शायद दो ही conditions होंगी. जी exactly stability के लिए number one हमारे पास ये center of gravity और center of mass must be lower. एक ये condition हो गई, ये भी हो गया. दूसरा हमारे पास stability के अंदर एक चीज और आती है कि the base should be larger. यानी हमारे पास है the base should be लार्ज. इज दैट क्लियर? अब ये हमारे पास दो कंडीशन है. अब लिख लो स्टेबिलिटी की टू कंडीशन है. स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास नीचे होना चाहिए, और हमारे पास बेस शुड बी लार्ज. यानी इसका कहने का मतलब है, जरा इधर देख लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, इधर देख लो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. इसका सपोज करो ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है. यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहां पर आ रहा है. ये हमारे पास स्टेबल होगा. या मेरे पास सपोज करो कि ये वाला ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा. सपोज कर लो ये वाला ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल होगा. इसमें देख लो कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इधर आ रहा है. जाहिर सी बात है दूसरा वाला. क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास इसका जो बेस है वो ज़्यादा बड़ा है, और इसका जो बेस है वो छोटा है, और दूसरा जो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर है. सो दिस मेक्स दिस वन मोर स्टेबल. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये चीज़ गाड़ी में भी अप्लाई हो रही है. आप ज़रा सुन लो, आपकी जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, जैसे आपने देखा होगा F1 गाड़ियां जो होती हैं वो कितनी नीचे होती हैं, लाइट वेट तो छोड़ दो, मेन चीज़ है कि वो नीचे इतनी होती है कि उसका जो वो होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत नीचे है, और प्लस वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होने के साथ साथ वो ब्रॉड भी ज़्यादा होती है. अगर ब्रॉड होती है तो उसका फ्लिप होना, एक तो टायर तो वो तो टायर तो बड़े ही होते हैं कि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा रहे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो नीचे बहुत है, और दूसरी बात है ब्रॉडर बहुत है वो, ठीक है, तो उसका फ्लिप होना मुश्किल होता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब एक रूल ज़रा सीख लो, ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझाना. वो ये है, ज़रा इधर देखो, मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें टॉपल किस तरीके से होती हैं, ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाउ थिंग्स एक्चुअली टॉपल. सपोज करो कि मेरे पास एक है, यार इसके लिए मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर पर जाना पड़ेगा समझाने के लिए. चले जाएं? ओके गाइस, नाउ आई वांट योर अटेंशन ऑन दिस डायग्राम ओवर हियर, ठीक है. अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सही है. अब ज़रा सुनो, मैं एक और भी इसमें एक लेयर ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास समझाने में आसानी होगी. ज़रा इधर देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा टर्न करूँगा, रोटेट करूँगा. इसको मैं इधर ले आता हूँ. अब ज़रा सुनो, जब मैंने इसको इधर किया, सही है, तो हमें पता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो इसमें से जो वेट की जो लाइन पास हो रही होगी वो इधर से पास होके जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी नीचे. कैन यू सी दैट?
अब एज लॉन्ग एज दिस लाइन इज इनसाइड दिस बेस, ये टॉपल नहीं हो सकता. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी अभी यहां पे टॉपल नहीं होगा. यानी होगा ये कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ दिस वेट होगा ना, दैट विल रिटर्न इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. यहां तक बात समझ में आई? सिमिलरली अब मैं एक और काम करता हूं इसके अंदर कि मैं जो है इसको फर्दर रोटेट करता हूं. सपोज करो कि मैंने इसको और ज्यादा इसको रोटेट किया, इसको मैं इधर ले आया. अब जब मैं इधर लेकर आया हूं तो अगर मैं दोबारा से इसमें लाइन ऑफ एक्शन इसकी बनाऊंगा, इधर देखना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट. अब इस बार जो मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट है वो इस तरफ आ गई. कैन यू सी दैट? अब ये स्ट्रेट अवे टॉपल हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्योंकि ये जो बेस था इसको इसने क्रॉस कर दिया है. समझ गए? एज लॉन्ग एज दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट लाइज इन साइड द बेस, इट विल नॉट टॉपल. ये बात समझ में आ गई? क्लियर है ये बात? समझ गए? तो इससे देख लो ना कि अगर मेरे पास ये नीचे होता तो ये ज्यादा स्टेबल होता, और बेस बड़ा होता तो और ज्यादा स्टेबल होता. समझ गए? क्रिस्टल क्लियर है ये बात? ज़ाहिर सी बात है. हाँ, आप अगर जरा सुनो, एक चीज और भी इन्होंने अच्छी बोली है, इधर देखना जरा समझने की कोशिश करना. कि अगर ये फर्ज करो कि मेरे पास जाके ये टॉपल हो गया, सपोज करो कि मैं इसको टॉपल ही कर देता हूं, कहां गया इसको, मैं वाकई में टॉपल भी कर देता हूं. ठीक है, इसको मैं वाकई में टॉपल भी कर देता हूं. बेटे ऐसा फिर तो कोई उसमें कोई आसमानी ताकत होगी जो टॉपल नहीं हो रहा. अब अगर इस पोजीशन में आ गया, ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल पोजीशन है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? क्योंकि इसमें बेस भी बड़ा है, सीजी भी नीचे आ गया, इधर से टॉपल करना इसको मुश्किल होगा. इज दैट क्लियर? लेकिन इस पोजीशन से इसको टॉपल करना ज्यादा आसान था. थोड़ा सा किया, लाइन ऑफ एक्शन अभी भी अंदर है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. लेकिन अगर मैंने इसको इतना क्रॉस करवा दिया कि जो इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दूसरी साइड पे चली गई पिवट के, तो जाहिर सी बात है टॉपल हो जाएगा. ये जब इधर जाके गिरेगा तो ऐसे रहेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? समझ गए? अब इधर भी देख लो आप. सपोज करो कि मैं इधर ले आया, अब मैं इसको टॉपल करने की कोशिश करते हैं. अगर मैंने फर्ज करो इधर इसको किया, यू कैन सी दैट कि एटलीस्ट मैं यहां तक भी ले गया, ये वापस अपनी जगह पे ही गिरेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन अगर मैं इसको जज इट विद द आई, थोड़ा सा इधर ले गया, इतना ज्यादा मैंने मूव किया कि अब मेरे पास ये वाली जो लाइन है ये बाहर निकल आई है, अब टॉपल हो सकता है. बट यू कैन क्लियरली सी दैट आई हैव टू रोटेट दिस टू अ वेरी लार्ज एंगल टू एक्चुअली टॉपल दिस. समझ आ गया? प्लीज टेल मी, इज दिस क्रिस्टल क्लियर? अब हम लोग दोबारा से अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं. ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये हो गया, हमने ये चीज तो कर ली. स्टेट टू फीचर्स ऑफ द डिजाइन दैट मेक द कार स्टेबल, इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास एक नई चीज आई है. फिगर शोज एन इररेगुलर शेप पीस ऑफ कार. ठीक है, मुझे बोलता है डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमिन द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पीस ऑफ कार. यू मे ड्रॉ ऑन फिगर दिस और इन द ब्लैंक स्पेस. अब इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लैमिना मेथड. बताता हूं मैं. ठीक है, अब पहला स्टेप इसमें क्या होगा? द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू ड्रिल 3 holes ओवर हियर. इनको मैंने मार्क कर दिया ए, इसको बी और इसको सी मार्क कर दिया. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये 3 holes इसमें कर दिए मैंने. अब एक काम करता हूं, मुझे उसी सॉफ्टवेयर पे दोबारा जाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए. चले, हाँ, लैमिना मेथड ये होता है, LAMINA, लैमिना मेथड. पहले मैं आपको वर्बली ऐसे ही समझा देता हूँ कि करना क्या होगा. सबसे पहले आपने इसमें 3 holes ड्रिल किए, उसके बाद आप क्या करोगे, जरा इधर सुनो, मेरे पास एक स्टैंड होगा, लेट दिस बी अ स्टैंड, इसके अंदर एक कील लगी हुई होगी, इधर एक बिल्कुल एक वो सॉलिड हॉरिजॉन्टल कील होगी, ये मेरे पास स्टैंड था. फिर मैं क्या करूँगा कि इस पूरे पीस को ड्रॉ ही कर लेता हूँ. ये मेरे पास पूरा पीस है ना, इस पीस को मैं पूरे को इधर से पिक करूंगा, इसको इधर जाके लटकाऊंगा एक होल से.
जब इसको लटकाऊंगा तो ये फ्री मूवमेंट में होगा, फ्री मोशन के अंदर का। अब अनफॉर्चुनेटली मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रहा, ये मैं इसको छोड़ दूंगा, ये हिलना स्टार्ट हो जाएगा, सही है। हिलने के बाद जब स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर पता है क्या करोगे आप, फिर आप इधर से एक और रस्सी होगी, रस्सी के अंदर हमारे पास एक पेंडुलम लटक रहा होगा या एक छोटा सा वेट लटक रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्लम लाइन, इसको हम लोग कहते हैं प्लम लाइन, ठीक है। इस प्लम लाइन को मैं पकड़ूंगा, इस प्लम लाइन को उठाकर मैं इधर से लटकाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? जब ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, फिर हम क्या करेंगे कि एक पेन से जाकर मैं एक काम करूंगा, इधर जाके एक लाइन बना दूंगा इसके बराबर में। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? आई विल रिपीट द सेम स्टेप्स अगेन फॉर बी एंड सी। फिर मेरे पास तीन लाइनें बनेंगी, तीन लाइनें मोस्ट लाइकली एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई जा रही होगी, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके मेरे पास स्टेप्स लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूं, जरा इधर देखो, बस उस सॉफ्टवेयर पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो अगली क्लास में चले जाएंगे। मैं इस पे जा रहा हूं, एक मिनट, लेट्स जस्ट गो बैक टू दिस ओरिजिनल स्लाइड। आई थिंक इसमें नहीं होगा, ये दूसरे वाले में होगा, इस पे भी पीछे चले जाते हैं, लेट मी जस्ट सर्च फॉर इट, आई थिंक इसमें था शायद, इधर चले जाते हैं, ये रहा। This is the lamina method. How to find the center of gravity of an irregular shaped object? Lamina method. अब इसके अंदर एक चीज ये कि ये for cards applicable है, ठीक है? अब इसमें drill 3 holes at the edges मैंने कर दिया। फिर second step में क्या किया? आपने second step में क्या करोगे? Hang the object using a nail on a stand. Use any point, ठीक है? फिर उसके बाद करोगे use a plumb line to trace a straight line. Once that is done, repeat using other points. Do you understand this thing? फिर होगा mark the point of intersection. This is the center of gravity of this object. Clear है? समझ गए? यही चीज आपको उस आंसर में लिखनी पड़ेगी, तो प्लीज आप इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, कर लो प्लीज, कॉपी कर लो, पूरा आंसर बन रहा है पास पेपर के सवाल का। जी पूरा ही लिख लो ना ये, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। बेटे डायग्राम तो बनाना सीखोगे नहीं तो फिर फिजिक्स में सर्वाइव कैसे करोगे आप, सही है? करो इसको। ओके गाइस, एंजॉय द मैच, ठीक है, दुआ करो कि बारिश हो जाए। सही है, ओके गाइस।